देखिए मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में खरवास के बाद किसी दिन विस्तार हो सकता है। उन्होंने कहा कि उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि खरवास के बाद इसको हम करवा देते हैं। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर जो सीक्रेट थे वो ओम प्रकाश राजभर ने ओपन कर दिया और साफ कहा है अमित शाह से मीटिंग के बाद खरमास में कैबिनेट एक्सपेंशन होगा जिसमें वो कैबिनेट मंत्री भी बनेंगे। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर मौजूद हैं क्योंकि अभी दिल्ली में मुलाकात हुई है, इनसे खुद बातचीत करते हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत दिनों से हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, आप भी अमित शाह जी से मिलकर आए हैं, क्या वहां बातचीत हुई आपकी? देखिये मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में खरवास के बाद किसी दिन विस्तार हो सकता है। उन्होंने कहा कि उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि खरवास के बाद इसको हम करवा देते हैं। ओके, तो क्या ये जो राम मंदिर का वो है प्राण प्रतिष्ठा, उसके पहले ही 15 तारीख के आसपास बता रहे हैं आप? बताया तो हमको यही है। तो आप यानी कि निश्चित है कि कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, इस बात की दावेदारी वहां पर पेश हुई, आपने बात की, कहा क्या हुआ? क्योंकि और भी जो दारा सिंह चौहान जैसे वो भी गए थे वहां पर मिलने, इस तरीके की क्या क्या कौन कौन मंत्री बन रहा है कुछ? देखिए सबकी बात तो हम नहीं बता सकते, भारतीय समाज पार्टी बहुत पहले से तय है, हम लगभग साल भर से आप लोगों से कहते हैं कि जिस दिन विस्तार होगा उस दिन राजभर मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। तो अब वो समय भी आ गया है, खरवास बीत जाता है तो किसी भी समय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उस दिन शपथ दिलाई जाएगी। और क्या चर्चा हुई आपकी उनके बीच में, चूंकि बहुत दिनों बाद ही आपकी मीटिंग हुई और लगातार प्रयास चल रहे थे कि कुछ सीटों को लेकर जो बंटवारे हैं वो भी बात करेंगे, आपकी लोकसभा में कितनी सीट आप लड़े उत्तर प्रदेश में? इस सीटों के संबंध में कोई चर्चा नहीं, चर्चा हुई थी वह राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव यूपी से दिल्ली भिजवाने का, गोंड़ खरवार जाति के बच्चों का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, पुलिस भर्ती निकली है, गोंड़ खरवार के बच्चे बहुत परेशान हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से शासनादेश जारी है इनका प्रमाण पत्र बना दिया जाए लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं बन पा रहा था, ये बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, कुछ दिन पहले उनको भी बताया, माननीय जेपी नड्डा जी से भी कहा और कल माननीय गृहमंत्री जी से भी इस बात को कहा। इन सब बातों के बाद तो उधर से खुद यूपी के चुनाव राजनीति के संबंध में चर्चा शुरू हुई तो उसकी विस्तृत बात हुई, फिर बिहार में चर्चा शुरू हुई कि बिहार में समय आप कार्यक्रम कर रहे हैं, कहा कर रहे हैं तो बिहार में किसी भी समय एक हफ्ते के अंदर डेट मिलेगी, ज्वाइंट कार्यक्रम बिहार में हम लोग करेंगे, डेट आता है तो स्थान हम बता देंगे। बिहार में भी क्या आप इस बार चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, क्योंकि वहां से भी आपकी पार्टी लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में, तो क्या बिहार के लिए कुछ सीटों के लिए बातचीत हुई है? वो टाइम आएगा तो बातचीत होगी, जब पहलवान है अखाड़ा बना है पहलवान है तो फिर बाजेंगे ना। तो जो कयास लगाए जा रहे थे 2-3 सीटें उत्तर प्रदेश में 2-3 बिहार में, कितनी सत्यता है इसमें आपको लगता भाई है? देखिए जब सीट बंटवारे की बात आएगी तो निश्चित है कि उसमें हम सब लोग मिल बैठ के बांट करके जो जिसको सीट मिलेगी लड़ा जाएगा। ओके, जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है राम मंदिर का 20 तारीख को 22 तारीख को, उसमें आप जा रहे हैं, क्या क्या आपने शेड्यूल डिस्कस किया इस बारे में? बिल्कुल जाएंगे, निमंत्रण मिला है जाने के लिए ना, चला जाएगा। समाजवादी पार्टी लगातार जो एक तरीके से हावी है बीजेपी के खिलाफ बोलती जा रही है, उनके जो महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य वो बोलते जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको क्यों इस तरीके से, चाहे वो इनविटेशन को लेकर हो हर चीज पे वार कर रही है? देखिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में डील हो गई है, ये मान लिए हैं कि हम लोगों को 80 सीट जिताने में सहयोग करना है, सपा के लोग इस बात के लिए तैयार हैं। उसका उदाहरण आपने मध्य प्रदेश में देखा, खुद अखिलेश जी ने कहा कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है, भाजपा ने कहा सपा बी टीम है, अखिलेश जी ने खुद कहा कि कांग्रेस को वोट मत देना चालू पार्टी है, ये नहीं बताया कि वोट किसको देना है, एक तो वो पहल हो गई। दूसरी चीज कि समाजवादी पार्टी के संबंध में या किसी पार्टी के सर का पत्ता एक नहीं था, बगैर अखिलेश जी की मर्जी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुछ बोल नहीं सकते, इनका इशारा है कि आप ये बात बोलो ताकि जो लोग हमको वोट देना चाहते हैं ना दें उधर चले जाएं। तो कांग्रेस में क्या जो अलायंस की बातें चल रही हैं वो सब क्या फिर हवा हवा ही आपको लगता है? ये सब एक साथ रहने वाले नहीं है,
सब अलग अलग लड़ेंगे और आपस में लड़के मरेंगे। अभी कुछ दिन पहले आप बहुजन समाज पार्टी जो है उनकी चीफ मायावती को तारीफ भी कर रहे थे, वो अभी अलायंस में नहीं है, एनडीए अलायंस में। आपको लगता है कि क्या बहुजन समाज पार्टी भी इनके साथ आएगी या किस तरीके का आपको लगता है पैटर्न है बहुजन का? वो तो मीटिंग में अखिलेश जी ने कहा कि बसपा आ जाएगी तो हम किनारा कस लेंगे, मीटिंग में कहा है। तो अखिलेश जी कहाँ चाहते हैं गठबंधन? अखिलेश जी जो वहां डील कर लिए हैं भाजपा से कि भाजपा को 80 सीट जिताना है तो फिर उसमें क्यों शामिल रहेंगे? तो रास्ता खोजना कि जल्दी अलग होने का कोई रास्ता मिल जाए, हम लोग खर्च अलग हो जाए, सीट बंटवारे को लेकर देखिए वो अलग हो जाएंगे। ओके, यानी कि आपकी फाइनल जो अब रैली होगी वो बिहार में भी होगी और उत्तर प्रदेश में भी होगी? बिल्कुल, सुबह से पहले। धन्यवाद। तो ओम प्रकाश राजभर, साफ तौर से मानना है कि कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा और सबसे बड़ी बात है कि बिहार उत्तर प्रदेश में भी रैली करेंगे, अपना संगठन को दिखाएंगे और सीटों के लेकर जो बातचीत है वो भी कहीं ना कहीं हुई है, लेकिन अभी कितनी सीटें मिलनी है इस बात पे खुलासा नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव।